जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब परमात्मा की कृपा से संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखद होंगे। मित्रों, मैं आज आप सबको जो बताने जा रहा हूँ वह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, और वह विषय खास करके उन लोगों के लिए है जो अपने भाग्य को हमेशा कोसते रहते हैं। मित्रों, यह 3 मिनट का वीडियो अगर आप पूरा देख लिया तो यह वीडियो आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। मित्रों, हर एक व्यक्ति के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती रहती है कि हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भाग्य अच्छा है नहीं या हमारा भाग्य बेकार है। आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा और क्लियर कर दूंगा कि भाग्य हम सबके पास ही होता है, लेकिन उसको बनाना पड़ता है। वह कैसे बनेगा, आइए हम आपको बताते हैं। मित्रों, जैसे कि आप सब ऊपर लिखा हुआ है वह आप सब देख रहे होंगे कि उस पर लिखा हुआ है कि भाग्य को बनाएं अपने हाथों से, बिल्कुल सब्जी की तरह। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मित्रों, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में सब्जी पड़ा हुआ है, जैसे आलू, मटर, टमाटर, प्याज, भिंडी, घिया, कद्दू, तरह तरह की सब्जियां आप बाजार से खरीद कर लेकर आए हैं और अपने घरों में रखे हुए हैं, लेकिन सब्जी तब तक खाने योग्य नहीं होगा जब तक आप उसे खाने योग्य बनाएंगे नहीं। और उसे खाने योग्य बनाने के लिए आपको बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा और उस तरीके को सब्जी बनाने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। आप उसे धोएंगे, काटेंगे और उसे आग पर पकाएंगे और उसमें अपने स्वादानुसार मसाले डालेंगे। उसके बाद जब सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद जब आप उसे खाएंगे तो वह आपको बहुत ही स्वादिष्ट और आनंद देने वाला होगा। मित्रों, ठीक उसी सब्जी की तरह हमारा भाग्य भी हमारे पास पड़ा हुआ है। मित्रों, आप सबने सुना होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, यानी कि कस्तूरी मृग यानी हिरण के नाभि में ही होता है, लेकिन उस कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए वह पूरे दिन इधर उधर भागता रहता है और भटकता रहता है, दौड़ता रहता है। मित्रों, ठीक उसी तरह हमारे पास हमारा भाग्य पड़ा हुआ है, लेकिन वह तब तक स्वादिष्ट और आनंद देने वाला नहीं बनेगा जब तक हम उसे अपने संस्कार और अध्यात्म रूपी जल से नहीं धोएंगे और कर्म रूपी सब्जी को मेहनत रूपी आग से और बुद्धि रूपी मसाले को डालकर उसे आग पर नहीं पकाएंगे। तब तक वह हमारे जीवन में बिना स्वाद के कच्चे सब्जी की तरह लगेगा और वह हमारे जीवन में स्वादानुसार हमें फल देने में असमर्थ रहेगा और हमें हमेशा असफलता हाथ लगेगी और हम अपने जीवन भर अपने भाग्य को कोसते रहेंगे, जबकि भाग्य का इसमें कोई कसूर नहीं है। भाग्य को बनाना हमारे हाथों में है। भाग्य तो हमारे पास सब्जी की तरह आकर पड़ा हुआ है। इसलिए मित्रों, हमें अपने भाग्य को बनाने के लिए सदा ही कठिन परिश्रम, धैर्य और साहस के साथ कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य हमारे जीवन में स्वतः ही अपना रंग दिखाएगा और हमारे जीवन को रंगीन और खुशहाल बनाएगा और हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करेंगे और अपना जीवन खुशहाल बनाएंगे। मित्रों, यह जानकारी आप सबको कैसे लगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारियां रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ, पूजा विधि और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के मैं बहुत सारे वीडियो बनाकर डाल रखा हूँ। आप उसे देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। मित्रों, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।